नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर, आप जैसा कि जानते ही हैं। और अब हम हमारे जो व्याख्यानों की श्रृंखला चालू है ज्योतिष विषय पे, इसमें हिंदी के संस्करण जो हम कर रहे हैं, इसमें योगों की मालिका में षष्ठ पुष्प जो है या षष्ठ श्रृंखला जो है, उसके लिए मैंने गजकेसरी योग को चुना हुआ है, जो कि काफ़ी जाना पहचाना योग है, जिसके बारे में काफ़ी बोला जाता है। और हम यहाँ दो चीज़ें देखेंगे कि जैसा कि हम बाकी भी योगों में कर रहे हैं कि ये योग तो ठीक है, योग यानी दो ग्रहों का इकट्ठा आना, ये हमें मालूम है, दो या दो से ज़्यादा ग्रहों का कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में इकट्ठा आना, कुछ विशिष्ट जगहों पर इकट्ठा आना, ये जो इकट्ठा आना है इसको ही हम योग कहते हैं। ये इन योगों के कुछ फल भी दिए हैं, परंतु ये फल प्राप्त होने का आधार क्या है? क्योंकि फल अच्छे ही दिए हुए हैं, जहाँ तक कि जो अच्छे योग है, दुर्योगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं योग का अर्थ सुयोग, अच्छे योग के संदर्भ में बोल रहा हूँ। और कई बार वो हमें प्रत्यक्ष में होते हुए क्यों नहीं नजर आते, इन सभी बातों का हम इस जो ये जो श्रृंखला चालू है हमारी योगों की, इसमें इसका हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। हम इसमें कितने कामयाब होंगे आप लोग तय करोगे, परंतु मैं मेरे तरफ से मुझे जितना भी समझता है वो बताने की का प्रयास अवश्य करूंगा। तो अब हम गजकेसरी योग के संदर्भ में देखेंगे। गजकेसरी योग ये सहसा गुरु और चंद्र ये एक दूसरे से केंद्र में होने के बाद होता है, ऐसा माना जाता है। एक दूसरे के केंद्रस्थ स्थित होने पर होता है ये माना जाता है। इसकी कुछ परिभाषाएं और भी हैं। तो बृहत पाराशर होरा शास्त्र में ऋषि पाराशर ने कहा है, केंद्रे देव गुरु लग्न चंद्रादवा शुभ ध्रुव युते, यानी देव गुरु यानी गुरु ग्रह और चंद्र, चंद्र से या लग्न से ये जब केंद्र में होंगे या ये दोनों जब केंद्रस्थ होंगे, आप दोनों भी समझ सकते हैं, पर लग्न से केंद्रस्थ होंगे या चंद्र से केंद्रस्थ होंगे, इसका मतलब चंद्र से केंद्रस्थ भी है उसमें आता है, वही ज्यादा प्रमाण में हम देखते हैं। और इसमें भी वो शुभ ग्रहों से यदि दृष्ट हो तो ज्यादा अच्छा है, या और भी कोई शुभ ग्रह उनके साथ हो तो इसे ज्यादा अच्छा समझना चाहिए। इसे हम सहसा भूल जाते हैं। फिर इससे तो योग होता है, परंतु इसमें कुछ कमी है क्या, वो भी हम देखेंगे। नीचास्त नीच अस्त अरि गृह, ये ग्रह नीच के हो, ये अस्त हो, या ये अरि गृह में शत्रु के गृह में यदि हो तो ये योग होता है, उसे गजकेसरी योग ही कहते हैं। पर ये थोड़ा हीन हीने योग अयम गजकेसरी ऐसा कहा हुआ है, इसका मतलब वो योग पूर्ण तरह से नष्ट नहीं होता, उसकी जो तीक्ष्णता है, तीव्रता है, वो कम हो जाती है, ये हमें समझना चाहिए। और इसी के बारे में हम सहसा कहते हैं कि गजकेसरी योग होता है करके। फिर वो गजकेसरी संजात तेजस्वी धनवान भवेत वगैरह कहा गया है, मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भव ऐसा कहा है, या नर ऐसा कहा है। मैं श्लोक देने की कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा इसके नीचे में। अब हम जब YouTube पे जाते हैं नीचे जगह रहती है, मैं कोशिश करूंगा, मैं कभी कभी भूल जाता हूं तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए, और इसीलिए मैं श्लोक कहता हूं। परंतु इसमें और कुछ भी है। अब ये जो है जातक पारिजात में कहा गया है आचार्य वैद्यनाथ के द्वारा, वो बोलते हैं केंद्र स्थित देव गुरु मृगांक योग स्तत तदाहुर गजकेसरी इति, इसको गजकेसरी तो कहते हैं, है ना। केंद्र में देवगुरु और मृगांक यानी हमारा चंद्र, ये यदि एक दूसरे के हो तो इसे गजकेसरी कहते हैं। पर इसमें और उन्होंने दृष्टे सितार के, दृष्टे सितार ये इंदु सुते हैं शशांक के नीचास्त हीना आदि आदि, यानी इसमें
जो शशांक है, जो चंद्र है इस योग में, उस पर सीता यानी शुक्र, आर्य, ये इज्जत को भी कहा जाता है, कई बार गुरु को भी कहा जाता है, तो गुरु तथा इंदुसुत यानी बुध, इनकी भी यदि दृष्टि चंद्र पे हो तो इसे भी गजकेसरी योग कहना चाहिए, ऐसा वैद्यनाथ जी का कहना है। फिर तमिल के एक प्रकांड विद्वान राजन साहब है, सी जी राजन साहब, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही दिया है, पर उनका थोड़ा सा कहना ऐसा है कि चंद्र से पंचम भाव पे बुध की दृष्टि उस समय नहीं होना, ऐसा वो कहते हैं। वो बाकी तो सब ऐसे ही होना है, चंद्र और गुरु एक दूसरे से केंद्र में होना चाहिए, चंद्र से केंद्र में या लग्न से केंद्र में होना चाहिए। लग्न से केंद्र में रहेंगे तो स्वाभाविक है कि गुरु और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में ही रहेंगे। लग्न से केंद्र में रहेंगे तो संभवतः वो थोड़ा सा ज्यादा तीव्र योग होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसे ख्याल में रखें, क्योंकि लग्न से केंद्र में है तो चंद्र से केंद्र में नहीं है, ऐसा समझने की गलती इसलिए ना करें क्योंकि लग्न में यदि गुरु है और चंद्र कहीं पर भी उससे केंद्र में है तो ये दोनों एक दूसरे के केंद्र में ही है, इतना समझ लें। तो पर वो कहते हैं कि इस वक्त पंचम भाव पे, चंद्र से पंचम भाव पे बुध की दृष्टि न हो। ये राजन साहब ने, उन्होंने तमिल भाषा में कुछ अध्यायों का, बृहत पराशर अध्यायों का पर टीका की है, उसमें उन्होंने ऐसा कहा, इसे भी याद। अब हम यहां आते हैं कि ये योग का संबंध क्या, और सब जगह वही है कि वो संजात तेजस्वी, धन धान्यवान कोई कहता है, कोई धनवान कहता है, बात एक ही है ना, शब्दों से फर्क पड़ता नहीं है। मेधावी विद्वान रहता है, गुण संपन्न रहता है, आदि आदि जातक पारिजात ने भी कहा है, सभी जगह होगा। अब इसका कारण क्या है? तो प्रथमता तो ये योग में शक्ति आती कहां से, ये हमने सोचना चाहिए। मैं हर वक्त बोलता हूं कि ये कोई प्रमेय नहीं है, वो दे दिया कि उसमें अपने उसकी जो भी कीमतें हैं, उसकी उसके उसका जो भी गुण है वो डाल दिए और उत्तर आ गया। ऐसे योग नहीं होते, योगों का कारण भी हमें समझ लेना चाहिए, क्योंकि सब हो सकता है कि इससे कुछ अलग प्रमाण में और कहीं किसी राशि चक्र में हो तो हम उसे समझ सके कि ये साधारण से थोड़े उच्च स्तर की राशि कुंडली है, या कुंडली है, राशि चक्र है, जो भी आप कहना चाहे उसे। यह हमें समझने के लिए तत्व समझना जरूरी है, ऐसी मेरी अवधारणा है, और इसी आधार पर मैं अभी तक जो भी मैंने भाषण दिए इसी आधार पर दिए हैं। ऐसा तो मैं अलग अलग ढंग से लिखते रहता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है वहाँ लिखता हूँ, मेरी किताबों में लिखा है, उसमें थोड़ा ज़्यादा विस्तृत लिखा है, परंतु इस माध्यम में मैं ज़्यादा इसके पीछे के तत्वों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं खुद भी कर रहा हूँ, आपको भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोई बहुत विद्वान नहीं हूँ, मैं भी आप ही के समान एक क्षुद्र विद्यार्थी हूँ इस महान सागर का, इस महान ज्ञान सागर का, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। तो ये क्यों होता है? हमें हर समय नैसर्गिक कुंडली को कभी भी हमारे नज़र के बाजू में नहीं करना, नज़रअंदाज नहीं करना जिसे बोलते हैं, नज़र से ओझल नहीं। कभी भी जब हम सोचें कि ये योग क्यों है, केवल ग्रह एक साथ आ गए इसलिए, तो शायद नहीं। फिर कारण क्या है? तो हम देखेंगे नैसर्गिक कुंडली में, यानी जिसमें मेष राशि को ही लग्न मान के हम जब कुंडली निकालते हैं, तो उसके चतुर्थ का स्वामी चंद्र रहता है, उसके नवम भाव का स्वामी गुरु होता है, उसके द्वादश भाव का स्वामी भी गुरु होता है। अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है। देखिए आपने, हमने एक बार, मेरे ख्याल से मैंने कहा होगा, मैं जैसा आदमी वृद्ध होते जाता है तो पहले क्या कहा भूल जाता है, परंतु मैं एक ही तत्व से बोलता हूँ तो मैं सहसा गलत या झूठ नहीं बोल सकता, ये मेरी थोड़ी कमजोरी है, पर जो है वो है। तो हम ये देखते हैं कि केंद्र और कोण के अधिपति जब इकट्ठा रहते हैं, तो जैसे कुछ विष्णु और लक्ष्मी इकट्ठा होने से धन धान्य संपत्ति अधिकार आदि आते हैं, उस प्रकार रहते हैं, ऐसा पाराशर ऋषि ने कहा हुआ है, हमें मालूम है। अब तो आप लोग तो हम यहाँ तक यदि पहुँच गए हैं तो 100-200 करीबन हमारे
100 से तो ज़्यादा ही, मेरे ख्याल से 150-200 भाषण आपने सुने हैं, तो कहीं ना कहीं मैंने ज़रूर कहा होगा, और नहीं कहा होगा तो अब सुन लीजिए, है ना। तो ऐसी संज्ञा की दी है, ये आधार सहसा युगों का रहेगा। कुछ विवक्षित जगह पर वो किसी दूसरे ढंग से खुद को व्यक्त करेगा, परंतु कुछ न कुछ आधार युगों को होना चाहिए, वरना मैं और ये अर्वाचीन समय में ये देखता हूँ कि कई योग तैयार कर लिए जाते हैं, कुछ कुछ उनको नाम दे दिए जाते हैं, परंतु तो उसका आधार होना, ज्योतिष ने आधार ढूंढने की कोशिश करना चाहिए, वरना कई बार हमें योग बिल्कुल फलित रूप होते हुए नहीं दिखते और फिर हम संभ्रम में पड़ जाते हैं। हम संभ्रम में पड़ते हैं, हमारे पास जो आता है उसका इस महान विद्या से विश्वास उठ जाता है, ये न हो इसका हम प्रयास करते हैं, और इसीलिए मैं इस उम्र में ये बोल रहा हूँ। तो हमने जैसा देखा, देखिए केंद्र का अधिपति चंद्र रहता है नैसर्गिक कुंडली में, नवमाधिपति गुरु है, नैसर्गिक है। यदि ये एक दूसरे से, जिसे स्क्वेयर में बोलते हैं, जिसे केंद्र में बोलते हैं, रहेंगे तो ये परस्पर कारक हो जाएंगे। हमने कारकों के अध्याय में परस्पर कारक का एक जो तत्व है उसे समझने की कोशिश की है, आपको जरूर स्मरण होगा। तो जब ग्रह एक दूसरे के केंद्र में हो तो वो एक दूसरे को, एक दूसरे का काम करने के लिए मदद करते हैं, ये पहला तत्व। फिर यदि ये केंद्र स्थित ग्रह, केंद्र में आने से इनको शक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ये यदि खुद के राशि में हो तो इनका प्रभाव और बढ़ जाता है, ऐसा कहा हुआ है विद्वानों ने, पराशर ऋषि ने भी कहा है और बाकी भी विद्वानों ने कहा है। 4 लाख ग्रंथ है, तो एक एक ग्रंथ तो मैं गिनाता नहीं हूँ, गिनना योग्य भी नहीं होगा, वो केवल विद्वत्ता का प्रदर्शन है जो मेरे पास है नहीं, तो मैं नहीं करूँगा। परंतु हम सहसा जातक पारिजात और बृहत पाराशर होरा शास्त्र में हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, वही अलग अलग रूप से, अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग आचार्यों ने, ऋषियों ने कही है। उसका मूल जो सिद्धांत है वो कहीं इधर उधर नहीं होता, ये ख्याल में रखिए। यदि मूल सिद्धांत इधर उधर होता है तो संभवतः मेरे समान जो क्षुद्र जन किताब लिखते हैं ना, तो उनके नासमझी की वजह से उनकी किताबों में उन्होंने कुछ लिखा तो बात अलग है, परंतु ऋषियों ने जो लिखा है उसका कुछ ना कुछ आधार होता है, हमें वो आधार ढूंढने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम अच्छे ज्योतिषी होंगे और इस शास्त्र की मर्यादा, इसका जो मान है, इसे हम बढ़ाने में सहभागी होंगे। तो वो भाषण ज्यादा हो गया होगा तो माफ कर दीजिए, पर अब इस उम्र में तो थोड़ा बहुत ज्यादा बोल जाता है आदमी, मुझे भी समझता है। तो अब ये 12वें घर का क्या संबंध आ गया, तो आपको याद होगा कभी तो भी मैंने कहा भी होगा कि यदि हमारे किसी सगी सगे संबंधी का कुछ देखना है तो उसी स्थान को लग्न देख के फिर उससे देखना चाहिए। तो हमें यदि हमने चंद्र को मूल माना और उसको लग्न में ले लिया, तो होता क्या है कि उससे जो नवम भाव है वो दूसरी राशि पड़ती है गुरु की, मीन राशि है ना। फिर से चंद्र के परिप्रेक्ष्य में ये फिर से केंद्र कोणाधिपति योग हो गया, इसे न भूलिए। अच्छा, इन दोनों में क्या खासियत है? चंद्र तो मन का कारक है, इसके साथ यदि गुरु के समान ज्ञान का ज्ञाता उससे संबंध बनाए, उसमें कुछ ना कुछ अपना प्रभाव डाले, तो ये सहज है समझने में, वो नैसर्गिक मित्र तो है ही है, तो वो बुद्धि को सही दिशा में ले जाने के कारण, इसीलिए मेधावी बोला गया, मेधावी यानी विद्वान कहा गया, गुण संपन्न कहा गया, सौम्य ग्रह है ना, तो इसे हम ध्यान रखें। इस कारण ये गजकेसरी योग अपना प्रभाव करने में यशस्वी होता है। अब प्रश्न यह है कि क्या यह हर वक्त होगा? आप यदि देखोगे कि आपके पास जो भी राशि चक्र आएंगे उसमें मैं ज्यादा यदि बोलूँ तो 60%, कम यदि बोलो तो 40% लोगों के राशि चक्रों में आपको गजकेसरी योग दिखेगा ही। हाँ, जैसा कुछ कम जगह बुध की दृष्टि चंद्र से पंचम पे वगैरह आपको देखने को मिल सकती है, पर सहसा आपको गजकेसरी दिखेगा। तो इसे कोई भाई
बहुत अजीब और कभी तो भी आने वाला योग आदि आदि न समझिए, क्योंकि चंद्र जो है ये महीने भर में 27 दिन में पूरा भचक्र को घूम लेता है। इसका मतलब हर सप्ताह में वो एक बार गुरु से केंद्र में होता ही है। इसलिए भाई गजकेसरी योग है तो कुछ तो भी होगा, इसलिए हमें सोचना चालू करना चाहिए कि अब यहाँ क्या। तो इसकी जो कुंजी है ना वो नीच अस्त अरिगृह में है। वो केवल एक इशारा किया है, इसको हमें सभी परिप्रेक्ष्य में देखना है। इसका मतलब क्या है कि इनकी शक्ति क्षीण न हो। शक्ति क्षीण न हो का अर्थ ऐसा है कि चंद्र शुक्ला अष्टमी से कृष्णाष्टमी तक हो तो उसे शक्तिशाली माना जाता है, उसे क्षीण नहीं समझते, इसे ध्यान रखें। तो ये होना चाहिए। ये यदि समझो उसके शत्रु के राशि में है तो भी, या गुरु है फिर भी, उसका केवल प्रभाव कम होगा, वो योग नष्ट नहीं होता। इसीलिए इन्होंने तीनों भी बोला है, उसमें अति मित्र अति शत्रु इस प्रकार भी जोड़े रहते हैं, परंतु संस्कृत में कम शब्दों में ज़्यादा समझाने की एक प्रथा है हमारे आचार्यों की, उसका हम अनुशीलन भी करते हैं, उसे हम समझने की भी कोशिश करते हैं। अच्छा, ये किस भाव में हुआ ये भी महत्व का रहेगा। जब नीच और अरि और अस्त ग्रह, इसका मतलब ग्रह की प्रभाव थोड़ा क्षीण हो जाता है, तब ये इतना यदि तीव्रता से अपना प्रभाव न दिखा सके तो क्या ये सब भावों में सरीखा ही प्रभाव दिखाएगा क्या। हमें तो बताया गया है कि 6, 8, 12 में स्थित ग्रह जो हैं वो सहसा अपनी शक्ति खो बैठते हैं। और यदि इनके स्वामी किसी भाव में बैठे हैं उस भाव की शक्ति कम करते, ये भी हमें बताया। इसलिए किस भाव में है ये भी महत्व का है ना। इसे हम एक बार समझने लगे तो हम समझते हैं कि ये गजकेसरी योग हर वक्त समान प्रमाण में शक्तिशाली नहीं होगा। ये कहाँ शक्तिशाली होगा, सबसे प्रबल कहाँ होगा। तो देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि कर्क राशि में लग्न में यदि ये होगा तो ये सबसे प्रभावशाली होगा। इसका कारण ऐसा है कि गुरु को लग्न में दिग्बल प्राप्त होता है, चंद्र को 50% दिग्बल रहता है। चंद्र खुद के राशि में है एवं गुरु खुद के उच्च के राशि में बैठा है, यहां पर उसका प्रभाव शायद सबसे ज्यादा होगा यदि वो कर्क राशि है। यदि वो कर्क राशि नहीं है फिर भी प्रभाव ज्यादा ही होगा, क्योंकि गुरु में तो बल ऐसा भी दिग्बल आ ही गया है, दिग्बल का एक महत्व है अपना आनंद सागर। अब हम ऐसा समझते हैं कि ये यदि चतुर्थ भाव में हुआ तो क्या होगा। कर्क राशि में होगा तो प्रभाव रहेगा, क्योंकि यहां पर गुरु तो 50% उसका दिग्बल होगा परंतु तो चंद्र का दिग्बल पूर्ण हो जाएगा। हम दिग्बल को भी हम कभी ना भूलें, इसे समझ लीजिए। ऐसी मेरी आपको एक विनती है। अब यदि हम समझे कि उच्च का चंद्र है तो क्या हो, और उसी के साथ गुरु बैठ गया है, तो फिर गुरु थोड़ा सा खुद को असहज महसूस करेगा, क्योंकि वो शुक्र के घर में बैठा, हालांकि शुक्र है तो शुभ ग्रह परंतु गुरु का शत्रु, तो उसका परिणाम थोड़ा कम हो जाएगा। यहां पर भी लग्न पे होगा तो हालांकि शत्रु के राशि में है परंतु दिग्बल प्राप्त है, तो आपको ये बला बल का अंदाज लेते रहना पड़ेगा। सप्तम में क्या होगा, तो सप्तम में थोड़ा और उसको कमजोर होगा। उसी कर्क राशि में सप्तम में होगा तो भी कमजोर इसलिए होगा कि चंद्र का दिग्बल आधा हो गया, गुरु का दिग्बल शून्य हो गया, है ना। इस तरह से हमें उसको सोचते रहना चाहिए। हम ऐसा सोचेंगे तो इसका मतलब बाकी राशियों में कुछ नहीं है क्या, नहीं, फिर भी वहां पर भी वो अपना प्रभाव दिखाएगा। इसका कारण आप समझ सकते हैं, आप चंद्र से केंद्र में गुरु को स्थापित करके किसी भी राशि से घुमाइए, किसी भी भाव से घुमाइए, आपको ये ख्याल में आएगा कि ये एक दूसरों के लिए बहुत मददकारी होते हैं। और ये मददगार होने से और शुभ ग्रह होने से इनकी दृष्टि कम से कम तो कहीं ना कहीं मदद पहुंचाती है, कुछ ना कुछ तो वो उस राशि चक्र में शक्ति प्रदान करती है, इसे हम ना भूलें, है ना। अच्छा, तो फिर क्या होता है, क्या ये पूर्ण प्रभाव मिलता है, ये सिर्फ बहुत कम
कुंडलियों में मिलेगा, जैसा प्रभु रामचंद्र के कुंडली में था आपको मालूम है, परंतु वहां पर भी उन पे शनि की दृष्टि थी, है ना, मंगल की भी दृष्टि थी। तो हालांकि वो मेधावी थे, इसमें कोई शक नहीं है, राजा तो थे ही थे, गुण संपन्न भी थे, राज प्रिय करो मेरा, राजा को प्रिय थे, जहाँ जाते थे वहाँ के राजा उनकी पूजा करते थे, परंतु फिर भी तो कुछ ना कुछ कमी रहती। एक समय में वो वन में वनचारी होके घूम रहे थे, तो धर्म उनके पास हर वक्त तो था नहीं, तो बाकी ग्रह भी उन पर प्रभाव अपना डालेंगे, इसे पहले नहीं भूलना चाहिए हमने, इसे समझ लो। अब मैं आगे की बातें बोलता हूँ, इसका संबंध हमारे पूर्वजों के प्राणियों के ज्ञान से है। मैं जैसा पहले भी बोल चुका हूँ कि जो राशियों का नाम दिया है, ये उनके वो नक्षत्र के तारे जुड़ने पे ऐसी आकृति नहीं आती, वो तो हम हमारे कल्पना साम्राज्य का उपयोग करते हैं और वो थोड़े सिंग विंग ऊपर कर देते हैं तो बोलते हैं ये मेष है ना। कभी किसी जोड़ के देखिए, आप सब विद्वान लोग हैं, वो तारों को जोड़िए तो आपको ऐसी आकृति नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? फिर हमारे पूर्वज क्या विद्वान थे? विद्वान नहीं थे, हमारे ऋषि मुनि विद्वान है, हम उनके 1 करोड़ 1/1 करोड़ इतना भी हमें ज्ञान नहीं है। जैसा जैसा मैं ज़्यादा पढ़ते जाता हूँ ये मुझे रोज महसूस होता है, इसीलिए अभी भी मैं कुछ कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ, परंतु ये तो विषय से मैं हट गया। तो ये देखिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा कहना है कि हमारे शास्त्रों में जो जो शब्द संस्कृत में प्रयोग किया गया उसको कोई ना कोई विशिष्ट अर्थ है, हम उसे समझते नहीं है। जल इस शब्द के 150 पर्याय है, तो जायति लियते इति जल ऐसा बोला जाता है, इसलिए उसे जल बोलते हैं कि पृथ्वी पृथ्वी जल से निकलती है, जल में ही लीन हो जाती है, इसलिए उसे जल कहा जाता है, आदि निरुक्त में बताया गया है। अब ये गजक इसने क्यों किया? जो इतने विद्वान थे, जिन्हें बिच्छू किस प्रकार से काम करता है, केकड़ा किस ढंग से चलता है, जो बकरा है, बकरा तो नहीं है एक्चुअली, उसको हम मराठी में हम मेंढा बोलते हैं, रैम बोलते हैं, है ना, तो भेड़ बोलते हैं, भेड़ा बड़ा, भेड़िया नहीं, भेड़िया अलग होता है, भेड़िया भेड़ को खा जाता है। तो इनका स्वभाव मूलतः किसी को भी टक्कर देने का रहता है, जिसे मालूम है मगर है तो वो आराम से बैठी रहेगी, एकदम झपटेगी, ये जिन्हें मालूम है, और इस ज्ञान के भरोसे उन्होंने अलग अलग राशियों को नाम दिए, वो आप देखेंगे कि वैसे लग्न होंगे, उसका उस प्राणी पे कुछ ना कुछ प्रभाव होगा, उस स्वभाव का, ये मैंने राशियों के वर्णन के वक्त आपको बताया हुआ है। मुझे आप यदि अभी तक मेरे साथ टिके हैं तो आपको ये तो थोड़ा बहुत माना होगा कि मुझे किंचित किंचित इसके बारे में अंदाजा है कि क्या है इसका कारण क्या है। तो यहाँ गजा और केसरी बोला है, व्याघ्र नाम का हमारे यहाँ शब्द है, जिन्हें प्राणी जगत का कुछ कल्पना है वो ये समझेंगे कि सहसा व्याघ्र और हाथी जो है, यानी बाघ जिसे बोलते हैं हिंदी में, वाघ बोलते हैं मराठी में, ये और हाथी तो एक जगह रहते हैं, क्योंकि हाथी को चारा बहुत लगता है, उसको झाड़ वाड़ होना, छाया भी होना वहाँ पर, तो पानी वानी विपुल प्रमाण में होना, यहाँ तो वो कर सकता है हाथी के जिंदा रहने के लिए, ऐसा उसको जगह होना, केरला में वगैरह हाथी है, आप देखते हैं, वहाँ जाएंगे तो आपको समझ जाएगा कि वातावरण कैसा है। और शेर जो है उसके बदन पे पट्टे हैं, वो पट्टों की वजह से वो छुप जाता है, वो छुपेगा नहीं तो बाकी जो मृग आदि प्राणी है वो मूर्ख नहीं है कि खड़े रहेंगे उसको मरने की उसकी अपेक्षा करते रहेंगे कि वो आएगा हमें मारेगा, इसीलिए उसको भगवान ने उसका एक लिबास दे दिया है। हम तो उसे नग्न समझते, वो नग्न नहीं है, भगवान ने उसको लिबास दिया है, हाथी को उसका लिबास दिया है, उसका लिबास दिया है, उसका शरीर दिया है, तो उसको खाना भी दिया है ना, ये दोनों तो साथ में थे। परंतु जो शेर है जिसे हम सिंह कहते हैं हिंदी में, मुझे ख्याल से आजकल के हिंदी में सिंह कहते हैं, लिखते तो सिंह ही है, विद्वान लोग हैं, ये भाषा का उच्चार का जो प्रयोग है ये अलग अलग देश के अलग अलग भागों में अलग 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 ढंग से करते हैं, परंतु हमारी देवनागरी लिपि इतनी सुंदर है कि लिखते वक्त सब सही लिखते हैं। तो ये जो सिंह है ये रेगिस्तान में आपको दिखेगा, इसीलिए आपको गुजरात में ज़्यादा सिंह दिखते हैं, है ना, ये इसका रंग जो है ये मटमैला है, ये रेगिस्तान के रंग में ये मिल जाता है, इसीलिए इसका जो खाद्य है उसे पता नहीं चलता ये है, और ये पता न चलने से ही वो झपट के उसको मार सकता है।
उसकी शिकार करने की पद्धति अलग है। तो फिर ये गजक केसरी कहाँ से आ गए, इसे हमने सोचना चाहिए। व्याघ्र नाम का शब्द है उनके पास, उनके पास बहुत सारे शब्द है, शार्दूल है, हजारों शब्द है संस्कृत में एक ही प्राणी के लिए। यदि हमने समझे कि इस छंद को मिलाने के लिए गजक केसरी का प्रयोग हुआ तो उनके पास लाखों शब्द है, आप चिंता न कीजिए। तो हमने ये सोचना चाहिए क्यों, इसका कारण ये है, ये मैं जो बता रहा हूँ ना, इसका आगे कुछ संबंध आने वाला है। आप थोड़ी सा संयम रखिए, आप बाकी बात की, ये वृद्ध तो बोलती जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि हम सिंह को राजा बोलते हैं और जो झाड़ पत्ती खाने वाले प्राणी है उसमें गज को इंद्र बोलते हैं, गजेंद्र बोलते हैं, इसे मृगेंद्र बोलते हैं, इसे ख्याल में, ये दोनों राजा हैं। ये दिखते तो बहुत भारी है, है ना, परंतु देखिए सिंह जो है ये खुद शिकार नहीं करता, उसकी जो पत्नी है वो शिकार करती है, ये तो केवल दहाड़ता है, हा करके आवाज करता है, वो सब पशु भागने लगते हैं, मृग भागने लगते हैं, फिर उसकी जो पत्नियां रहती हैं, उसके पास काफी पत्नियां बच्चे रहते हैं, वो झपट के उनका शिकार करते हैं, फिर ये खाने को पहुंच जाता है। बाघ अलग अलग शिकार करता है, सिंह झुंड में रहता है, बाघ अकेला अकेला रहता है, इसे भी आप समझ लीजिए, है ना। फिर इनमें क्या है, इनको देखते साथ आपको बहुत बड़ा होने का, बहुत शक्तिशाली होने का, सामर्थ्यवान होने का आभास होता है। अब इस आभास का संबंध इसके परिणामों से है, जिनका भी होगा, आप लोग जो सुन रहे हैं गजक इसके वो होगा, तो आप खुद ही इसे सोचिए कि होता है कि नहीं। मैं जो बोल रहा हूँ, इनके पास पैसे रहे नहीं रहे, इनको कोई मांगने आया तो ये गजक इसी योग वाले तो बोलेंगे मैं आपको दे दूंगा। अच्छा, फिर इसके आगे बड़ी मजा आती है, इनके पास सब रहते नहीं है, है ना, और फिर ये जरा चिंतित हो जाते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरा शब्द खाली हो जाएगा, मैंने मित्र को बोल तो दिया है या किसी को बोल दिया है, परंतु जब वो समय आता है या तो उसको कहीं से न कहीं से धन प्राप्त हो जाता है जो मांगने आया था, या इनके पास कहीं न कहीं से धन आ जाता है, और इस कारण वो जो मांगने वाला उसको लगता है ये हर वक्त ही धनी है और ये समर्थ ही है, ये आभास जरूर इस योग में होता है, इसे आप समझ लीजिए। ज्ञानवान तो होता ही, चंद्र है, चंद्र और गुरु, ये ऐसे तो गुरु शिष्य है हमारे पुराणों की कथा में, ये जब दोनों साथ में रहेंगे या एक दूसरे से तो सहाय करेंगे तो अलग अलग विषयों में ज्ञान होगा, ये अलग अलग विषय जो है ये चंद्र की खासियत है, गुरु ज्ञान का भंडार है, और चंद्र अलग अलग प्रकार का ज्ञान आत्मसात कर सकता है, इसे भी न भूलिए। इसका आपको उपयोग, हम जब चंद्र कहाँ है उसकी विश्लेषणा जब की गई है, मेरे ख्याल से पहले हमने जो भाषण दिया उसे, उसको आपको इसका, इसके क्या बोलते हैं, इसके अंश आपको दिखाई देंगे, ये कम ज़्यादा होना, कोई भी चीज़ से इधर से उधर होना, ये चंद्र का स्वभाव है, मूल स्वभाव। तो ये है गजकेसरी योग, आप में से जिनके योग में है, कुंडलियों में है, बहुत होके रहेगा, आपने जो कुंडलियाँ देखी उनमें भी रहेगा, इसे आजमा के देखिए। हाँ, ये लग्न से यदि है तो शायद उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, किसी भी राशि से होगा, किसी भी भाव से होगा, फिर भी इसका प्रभाव रहेगा, और ये इसी प्रकार से रहेगा। उसके पास धन कितना होगा, शक्ति ये तो नहीं मालूम, पर उसका आभास तो जरूर होगा, और किसको होगा, तो जो लोग उसे देख रहे हैं उसको होगा, ऐसी मेरी अवधारणा है। आप इसे इसका प्रयोग करके देखिए, और मैं अब आपको आपकी आज्ञा इसलिए लेता हूँ, ऐसा भी मैंने, मेरे ख्याल से मेरा जो एक स्वसीमित समय है 20 मिनट का, वो जैसा मैं हर वक्त करता हूँ उसके पार कर दिया है। तो शुभ रजनी, और हम अगले जो पुष्प है या श्रृंखला की जो कड़ी आएगी योगों की, उसमें कुसुम योग पे बोलने का मेरी मंशा है, तो आप का धैर्य टिका रहा तो उसे भी जरूर देखिए, और भी आगे योगों के बारे में मैं बोलूँगा। नमस्कार।